यानी ऐसे नंबर जो तुम्हारे फ़ोन में सेव नहीं है, जो अननोन नंबर्स तुम्हारे फ़ोन में कॉल करते हैं और तुम्हें पता नहीं कौन है, और ऐसे कॉल को तुम अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो तुम सिंपली से इसको जो है ऑन या ऑफ कर सकते हो। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू इनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग इन एंड्रॉयड फ़ोन। तो बेसिकली गाइस, यहाँ पे मैं जो है रियल मी फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ कि रियल मी फ़ोन अगर आप चलाते हैं, आप अगर कोई सा भी आपके पास रियल मी का फ़ोन है और आप उसमें जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। देखो, कोई सा भी रियल मी फोन प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, तो चलो वीडियो को एंड तक देखते हैं। बट उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, अभी जो भी मैं ऑप्शन तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना और इसको एज इट इज फॉलो करना अपने फोन में। तो सबसे पहले जो है यहां पे जो कॉलिंग का डायलर ऐप है जिससे तुम कॉल करते हो, सिंपली से इसको ओपन कर लो। एंड यहां पे तुमको दो डॉट दिख रहा होगा, सिंपली से इसके अंदर आ जाओ। एंड यहां पे तुमको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से इसके अंदर आ जाओ। एंड यहां पे नीचे आओगे तो एक ऑप्शन तुमको मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का। जैसे ही तुम इस ऑप्शन के अंदर आते हो तो यहां पे देखो गाइस, कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड पांच ऑप्शन है। हम इन पांचों ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझेंगे। पहला है रिकॉर्डिंग स्पेसिफाइड नंबर्स, दूसरा है रिकॉर्ड अननोन नंबर्स, तीसरा है रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, चौथा है रिकॉर्डिंग लिमिट, और पांचवा है व्यू ऑल रिकॉर्डिंग्स। अब गाइज, यहाँ पे पहला जो है रिकॉर्ड स्पेसिफाइड नंबर्स, ये क्या है? इसका मतलब है कि तुम किसी स्पेसिफिक नंबर को रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसा कोई पर्सन है जिसका तुमको हर बार कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो तुम यहाँ पे डाल के छोड़ दो और तुम उसका जो है कॉल ऑल हर बार रिकॉर्ड कर सकते हो। कैसे? तो सिंपली इसके अंदर आ जाओ। एंड यहाँ पे देखो, प्लस का एक आइकन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने नंबर का जो है लिस्ट आ जाएगा। जिसको भी तुमको यहाँ पे डालना है सिंपली से उस पर चूज कर लो, वो टिक हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर दो, तो देख सकते हो कि यहाँ पे वो नंबर ऐड हो गया है। अब मैं किसी का कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगा, बस इसी का कॉल रिकॉर्डिंग होता रहेगा जब भी ये कॉल करेगा। ओके, अगर सेम और भी नंबर चढ़ाना है तो सेम यही प्रोसेस जैसे अभी मैंने किया, प्लस पे जाओ, नंबर चूज करो एंड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से अब नंबर को हटाना है तो कैसे हटाओगे? तो देखो, वह ऊपर में दो डॉट दिख रहा है, सिंपली से वहाँ पे क्लिक करो। एंड उसके बाद एक एडिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। अब जिस भी नंबर को हटाना है उस नंबर को चूज टिक कर दो, या सबको हटाना है तो सबको टिक कर दो। तो मैंने ऑल कर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने रिमूव पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि नंबर, सभी नंबर को हटाना है, डिलीट करना है, तो मैंने ओके कर दिया। तो देखो, यहाँ से सारा नंबर जो है हट गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई स्पेसिफाइड नंबर को यहाँ पे डाल सकते हो और उसको हटा भी सकते हो। दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है, रिकॉर्ड अननोन नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो तुम्हारे फ़ोन में सेव नहीं है, जो अननोन नंबर्स तुम्हारे फ़ोन में कॉल करते हैं और तुम्हें पता नहीं कौन है, और ऐसे कॉल को तुम अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो तुम सिंपली से इसको जो है ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर इनेबल कर दोगे तो ऐसे नंबर्स जो अननोन कॉल आते हैं वो सारा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ अननोन नंबर ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन यहां पे रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, तो सिंपली से अगर तुम्हारे फोन में जो भी कॉल आता है, अननोन हो, नॉन हो, जो भी हो, सबको अगर रिकॉर्ड करना है तो इसको इनेबल कर दो, या फिर अगर नहीं करना है तो इसको डिसेबल रहने दो। लेकिन अगर इसको इनेबल करोगे तो ऊपर का जो ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिक हट गया, क्योंकि स्पेसिफाइड नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। जब सभी कॉल रिकॉर्ड होगा तो स्पेसिफाइड क्या होगा, है ना। देखो, दो ऑप्शन ऑटोमेटिक हट गया, तो मैं इसको जैसे था वैसे ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। इसको ऑन कर सकते हो अगर तुमको ऑल कॉल रिकॉर्ड करना है तो। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, वो है रिकॉर्डिंग लिमिट का। अब ये रिकॉर्डिंग लिमिट क्या है कि मान लो कि अब इसके अंदर आते हैं, अब देखो इसके अंदर में तुमको ऑप्शन दिख रहा है 1000, 2000, 3000 नो लिमिट। अगर तुम 1000 रखते हो इसका मतलब है 1000 कॉल रिकॉर्ड करेगा। 1000 के बाद क्या होगा, 1001 जब होगा तो जो पहला कॉल रिकॉर्डिंग था वो डिलीट हो जाएगा और 1001 वाला जो है 1000 के अंदर आ जाएगा। यानी एक पुराना कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट होता जाएगा, नया कॉल रिकॉर्डिंग ऐड होता जाएगा, लेकिन 1000 ही तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग रहेगा। समझ आ रहा है? नया होगा, पुराना डिलीट होगा, नया होगा, पुराना डिलीट होगा। वैसे ही 2000 है, वैसे ही 3000 है। अगर 3000 करना है तो 3000 रिकॉर्डिंग रहेगा, 3000 के बाद जो भी होगा वो ऐड होगा और पुराना वाला डिलीट हो जाएगा। और अगर कोई लिमिट नहीं रखना है तो नो लिमिट कर दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है।
और अगर जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग्स तुमने किए हैं अगर वो तुमको चेक करना है तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है व्यू कॉल रिकॉर्डिंग्स। जैसे इसके अंदर आओगे तो देख सकते हो कि सारा ऑप्शन तुमको यहाँ पे दिखने लग गया है, शो योर ऑल कॉल रिकॉर्डिंग्स, देख सकते हो। ठीक है, सारा यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग जितना भी मैंने किया है, अभी मेरे पास दो है रिकॉर्डिंग बेसिकली, तो ये दो रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरीके से तुम जितने भी रिकॉर्डिंग करोगे तो सारा यहाँ पे दिख जाएगा गाइज। तो अगर तुम Realme का फ़ोन यूज़ करते हो, अगर Realme 9 Pro या 10 Pro जो भी तुमने Realme का फ़ोन लिया है, और अगर तुम ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करना चाह रहे हो अपने फ़ोन में, तो ये वीडियो को ध्यान से देखो और इसके स्टेप्स को फॉलो करो। आई होप कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो पता है क्या करना है, सिंपली से कॉमेंट में जाना है और अपना डाउट जो है लिख देना है, अपना सवाल लिख देना है जो भी तुमको प्रॉब्लम है। तो आई होप गाइस तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर तुम्हारा कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो तुम्हारे ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और गाइस सिर्फ तुम्हारे लिए यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी तुमको जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।